नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के कानपुर में बाढ़ से निपटने के लिए प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। मंगलवार को जिला प्रशासन ने स्टीयरिंग ग्रुप की बैठक की। बाढ़ से प्रभावित होने वाले प्रमुख चार तहसीलों की तैयारियों का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है। नगर में चार तहसीलें सदर, खटमपुर, बिल्हौर और नरवल अलग अलग नदियों से घिरे हुए हैं। कानपुर के उत्तर और दक्षिण में गंगा व रीत नदी बहती है, जबकि पश्चिम व दक्षिण में यमुना नदी तथा मध्य में पांडुवन नदियां हैं। मौसम वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि इस बार बारिश हमारे से ज्यादा होगी। उनका दावा है कि 110% होने का पूर्वानुमान है। इसी को देखते हुए जिला प्रशासन पहले से सारी तैयारियां पूरी करने में जुट गया है। गंगा नदी में खतरे का जल स्तर 114 मीटर पर है, जबकि चेतावनी बिंदु 113 मीटर पर रखा गया है। गंगा की कटरी में बसे 30 लोग और रिंद नदी में 11 गांव खतरे में आते हैं। इसी तरह पांडु नदी से 13 गांव प्रभावित होते हैं। कानपुर महानगर में लगने वाली ग्रामीण सीमा में बाढ़ से चैकसी के लिए खाटमपुर में यमुना नदी में 7 चौकियां बनाई गई हैं, जबकि खाटमपुर तहसील में 16 चौकियां हैं। बिल्हौर में 9 बाढ़ चौकियां और नरवल में 3 चौकियां बनाई गई हैं। जिलाधिकारियों ने सभी बाढ़ प्रभावित गांवों में नाव, लाइफ जैकेट सहित सभी जरूरी संसाधन व्यवस्थित करने के निर्देश दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।